इस मंदिर में ना बहुत सारी घंटियाँ हैं और कहें तो बहुत। अगर मैं आपको सिनेमेटिक शॉट दिखा के दिखाऊं तो अंदर तो वीडियो बनाने या फोटोग्राफी करने नहीं देते, पर यहाँ पर बहुत सारी घंटियाँ हैं। ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का सेकंड ऐसा मंदिर है जिसमें दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा घंटियाँ हैं। सबसे पहले गोलू देवता में और सेकंड नंबर पर यहाँ इतनी सारी घंटियाँ हैं। अगर मैं आप नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और मैं रानीखेत हूँ। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज है हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हिंदू वर्ष की और चैत्र नवरात्रि की भी। एक्चुअली मैं और मेरी बहन जा रहे हैं मंदिर, एक फेमस मंदिर है हमारी एरिया में घंटी वाला, तो वहाँ पर जा रहे हैं। उसका नाम है वैसे झूला देवी, माता झूला में विराजमान है और उसी के साथ साथ ऊपर है राम मंदिर, तो वहाँ भी चले जाएंगे। और जहाँ जहाँ मौका मिलेगा ना वहाँ वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि मेरी बहन ने ये देखा नहीं है तो इसी वजह से। अभी ना हमें लेट हो चुका है एक्चुअली, क्योंकि टाइम हो चुका है 1:30 बजे और टाइम जो है मध्य का है। सुबह टाइम मिल नहीं पाया क्योंकि घर में काम बहुत ज़्यादा थे इस वजह से। तो अभी फ्री हो गए हैं तो हमने कहा कि ठीक टाइम है और चले जाते हैं, क्योंकि बहन का फास्ट है और मेरा तो फास्ट होता नहीं, क्योंकि मेरी तो दवाइयाँ चलती है सुबह, तो उनको खा के ही निकलना पड़ता है। तो इस वजह से गाइस, तो अभी यहाँ से निकलते हैं और आप लोगों को मिलेंगे मंदिर में। तो चलो कहने को झूला देवी हम आ गए हैं और यहाँ पर ना अब जूते खोल के अंदर दर्शन करते हैं। इसके ऊपर जस्ट ना राम मंदिर है, वहाँ भी जाएंगे। यहाँ जूते और मोजे खोल लेते हैं फिर आपको मिलते हैं, क्योंकि फ्रंट साइड से यहाँ से जाने से बंद कर दिया क्योंकि बंदरों की वजह से, और अंदर यहाँ पर भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, पूरी तरह से प्रतिबंध है मंदिर का। चल ना, इधर से वो बंद कर दिया ना मेन द्वार। अभी दर्शन करने के बाद ना फिर आपको बताते हैं यहाँ की हिस्ट्री करेंगे। हमने ना दर्शन कर लिए हैं एक्चुअली। इस मंदिर में ना बहुत सारी घंटियाँ हैं और कहें तो बहुत। अगर मैं आपको सिनेमेटिक शॉट दिखा के दिखाऊं तो अंदर तो वीडियो बनाने या फोटोग्राफी करने नहीं देते, पर यहाँ पर बहुत सारी घंटियाँ हैं। ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का सेकंड ऐसा मंदिर है जिसमें दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा घंटियाँ हैं। सबसे पहले गोलू देवता में और सेकंड नंबर पर यहाँ इतनी सारी घंटियाँ हैं। अगर मैं आपको अच्छे से यहाँ पर घंटियों के एक नज़ारा दिखाऊँ ना तो आप सोच सकते हैं कि कितनी घंटियाँ हैं। इसी तरह से और इसके अंदर भी इतनी ही घंटियाँ हैं, यहाँ पर नहीं इसके अंदर भी। झूला देवी का ना यहाँ पर मान्यता बहुत ज़्यादा है कि माता कहते हैं, ये पूरा जो चौबटिया एरिया का जंगल था ये एक घना जंगल था उस समय का, तो माता ने किसी को सपने में कहा था कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे झूले में बैठना है। तो इसकी हिस्ट्री बहुत अलग अलग है, मतलब 700 साल पुराना यह मंदिर है और उस समय यहाँ बाघ का खतरा रहता था। आज तो यहाँ चौबटिया देखने लायक है क्योंकि KRC यहाँ पर रहती है, तो इस वजह से तो बहुत ज़्यादा खुशी रहती है यहाँ पर। और लाखों श्रद्धालु, लाखों भक्तगण यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है तो वो घंटी के रूप में घंटी बाजी जाती है। तो ये यहाँ की हिस्ट्री। अब यहाँ से ना सीधे ऊपर के लिए, क्योंकि ऊपर एक राम मंदिर है जस्ट इसके ऊपर से, वहाँ पर भी दर्शन करेंगे फिर जाएंगे आपके एक जगह और मनकामेश्वर मंदिर। तो दर्शन करके ना आ चुके हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आज मंगलवार है तो साथ साथ में देवी माता का और उसके साथ साथ हनुमान जी के भी दर्शन हो जाए, तो राम मंदिर में आ गए। एक्चुअली यहाँ पर उतनी कम भीड़ है पर नीचे झूला देवी के मुकाबले, तो क्योंकि मंगलवार था लोगों को आना चाहिए था, क्योंकि साथ में झूला देवी और तो साथ में आपके राम मंदिर है। राम मंदिर फेमस जो चीज़ है ना यहाँ पर, संस्कृत विद्यापीठ है, तो मतलब यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, मतलब जो ब्राह्मण कहे जाते हैं वो बनते हैं, तो यहाँ से वो पढ़ के आगे काशी के लिए या हरिद्वार के लिए या बनारस के लिए कहीं भी पढ़ने के लिए फिर जाते हैं। तो उनकी जो बेसिक शिक्षा होती है, जैसे हमारे जो प्राइमरी अपर प्राइमरी वो होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी वो चीज़ है। तो यहाँ से पढ़ने के बाद फिर वो आगे काशी के लिए, हरिद्वार के लिए ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर वो आगे पढ़ सकते हैं, PhD कर सकें। तो इस वजह से तो ये इसलिए भी फेमस है। और फिर राम मंदिर है तो फिर आप लोगों को पता ही है, और ज़्यादा मुझे यहाँ का पता नहीं। एक्चुअली अभी मनकामेश्वर मंदिर ना मैं ही जा रहा हूँ, क्योंकि सिस्टर ने देखा है ये और मैंने भी देखा है, पर क्या करें उसने देखा है तो वो नहीं आ रही। यहाँ पर मतलब
कुमाऊं रेजिमेंट की इष्ट देवी मानी जाती है कालिका माता। वैसे तो अपनी इष्ट देवी वो आपके गंगोली हाट की काली माता को मानते हैं, पर उनका ना एक स्लोगन है कालिका माता की जय करके, हमेशा वो यही बोलते हैं इस वजह से। और यहीं पर कालिका माता का मंदिर है, उसी के बगल में, यहाँ पर उसी के बगल में आपके गुरुद्वारा भी है आर्मी का। रानीखेत में सिर्फ एक ही यही गुरुद्वारा है बस, जो आर्मी को दे के बनाया गया है, और जगह पर ऐसा कहीं पर भी नहीं है। बहुत शानदार लगता है यहाँ पर भी, मतलब कहते हैं ना उत्तराखंड के स्वर्ग की भूमि है करके, तो इसी वजह से। और उसी के बगल पर वुडन फैक्ट्री भी है, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से बिंदास से देख सकते। अगर ना इस बार ट्रिप बनेगा तो हाट कालिका जरूरी जाऊंगा, क्योंकि पिछली बार मैं गया था वहाँ पर, तो बहुत शानदार मंदिर है। और मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा कि वहाँ 4 कुमाऊँ ने, 19 कुमाऊँ ने और अदर कुमाऊँ जो भी कुमाऊँ रेजिमेंट के जो अलग अलग बटालियन है, उन्होंने वहाँ पर क्या क्या सहयोग दिया है, क्या क्या बनाया है। तो उन्हीं की जो इष्ट देवी है वहाँ पर है साक्षात मैया, कहते हैं वहाँ पर ना आपके हाट कालिका में कि माता के लिए अंदर एक वो बिस्तर लगाया जाता है, तो उसके बाद से माता के वहाँ पर सुबह को ना वो बिस्तर, मतलब जैसे हम सो के उठते हैं ना उसी तरह से हुआ रहता है। तो वहाँ जाके आप लोगों को दिखाऊंगा, तब बताऊंगा वहाँ के पुजारी जी से पूछवाऊंगा। वैसे ट्रिप तो है मेरा बहुत जल्दी 2-4 दिन के लिए, और तो तब वहाँ जाके बताऊंगा। और उसी तरह से आपकी गंगोली हाट जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है, वहाँ का भी हिस्ट्री एक अलग ही है। वो सतयुग से वो गुफा है और आज तक वो गुफा वैसी की वैसी है, और 90 मीटर्स गहरी खाई में जाना पड़ता है। तो वहाँ पर भी जाके आप लोगों को ना बहुत उसका भी आपको बताऊंगा हिस्ट्री बाहर से कोई बताएगा तो, क्योंकि वैसे तो हम लोगों को पता नहीं रहता, पर बाहर से कोई बताएगा तो ज़रूर आप लोगों को भी बताऊँगा। अभी यहाँ से निकलते हैं एक और मंदिर, क्योंकि बहन को जाना है वहाँ, तो वहाँ पर भी दर्शन करके फिर सीधे वापस। मैंने 4, बहन ने 3 टोटल मिला के। यहाँ पर भी ना बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर लगता है, फूल वूल ये वो, और यहाँ से ना हिमालय व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है, पर अभी फ़िलहाल के लिए नहीं दिखेगा क्योंकि बादल लगे पड़े हैं या धुंध पड़ी हुई है। मंदिर भी बहुत अच्छा है, कह गए हैं क्योंकि शानदार यहाँ से लगता है, यहाँ से हिमालय व्यू बहुत शानदार लगता है, यहाँ को हिमालय व्यू। और मंदिर ये है नंदी महाराज, और मंदिर ये हेड़ा खान महाराज जी का मंदिर फेमस। यहाँ पर पर्वतों के नाम या वो बहुत कुछ रखे हैं, देखो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पर पर्वतों के नाम हम सब लिखे हुए हैं, देखो हाथी पर्वत से लेके त्रिशूल, ये नंदा देवी जो हमारे उत्तराखंड की फर्स्ट हाईएस्ट पहाड़ी या चोटी कहें इसको, ये है नंदा कोट, ये सेकंड में आती है, और राजभंगा इधर, और इसके बगल से ना फिर आते हैं आपके पंचाचूली जो कि आपके पिथौरागढ़ रेंज में पड़ जाती हैं। इस मंदिर की हिस्ट्री ना यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरी तरह से इसकी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है। तो पहले अंदर दर्शन करते हैं। गाइस फाइनल करके ना घर में पहुँच चुके हैं, और 4 जगह दर्शन किए थे जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे चुका हूँ। 1 जगह पर मेरी बहन नहीं आई, वहाँ पर मैं गया था, तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज हिंदू नववर्ष भी है और साथ में चैत्र नवरात्रि का पहले दिन है, तो आज नहीं गए तो कब जाएंगे मंदिर, क्योंकि फर्स्ट नवरात्रि में नहीं गए तो कब जाएंगे, ये जरूर सबके मन में होता है। तो फर्स्ट नवरात्रि भाई, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हमारे धर्म में भगवान को मानने की बहुत वो होती है। तो मैं अपने हिसाब से जहाँ जहाँ नहीं घूमा हूँ वहाँ वहाँ अपने मम्मी पापा की वजह से घूम रहा हूँ, खासकर अपनी मम्मी की वजह से। अयोध्या राम मंदिर मेरे गांव से कोई नहीं गया होगा, रानीखेत से भी मैंने बहुत कम लोगों को सुना कि गए हैं करके, पर मैं करके दर्शन आ गया अपनी मम्मी की वजह से। जहाँ मेरे मम्मी ने केदार बद्री या यमुनोत्री गंगोत्री नहीं देखा है वहाँ मैं उनकी वजह से करके आ गया। उन्होंने सिर्फ उन कहीं उन्होंने नाम सुना होगा, वो कहीं नहीं करके आए होंगे, वहाँ तक मैं गया हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से। पर मेरी मम्मी की वजह से ना मैं बहुत जगहों पर घूम के आ चुका हूँ, ठीक है ना। और अगर
फ्यूचर रहा तो और जगह पर घूम के और आऊँगा। और अभी कुछ दिनों के बाद से मेरा मतलब फिर ट्रिप है 15 तारीख के बाद से, एक शादी में जाना है तो वहाँ पर भी घूमूंगा और साथ में आपको उधर हाटकाली का और पाताल भुवनेश्वर के भी दर्शन कराऊंगा। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय माता दी।